हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसी संबंध में यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की जो बुक है जिसमें टोटल 8 प्रैक्टिस सेट हैं उसको हम अपने इस वीडियो सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं इसके 7 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 8वां है जो हमारे इस सीरीज का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम कुछ दूसरी बुक्स स्टार्ट करेंगे, उसकी भी इंटीमेशन आपको आगे के टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंतिम वीडियो, इस बुक का अंतिम वीडियो, माफ कीजिएगा। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो सभी को पता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में भारत में आया है। एक बार पूछ लिया था कि जैव विविधता जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो वाल्टर जी रोजन, ठीक है, वाल्टर जी रोजन द्वारा जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है, यह प्रश्न भी आया हुआ है। दूसरा, पर स्थाने संरक्षण या एक्स सी टू, ठीक है, दो टाइप के आपके संरक्षण होते हैं, एक होता है एक्स सी टू, एक होता है इन सी टू। तो जो एक्स सी टू संरक्षण या पर स्थाने संरक्षण होता है वो उनके प्राकृतिक आवास के बाहर जो संरक्षण किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्स सी टू संरक्षण, और इसमें सभी पादपों और सभी जंतुओं का बेसिकली नहीं किया जाता। जो संकटग्रस्त पादप होते हैं और जंतु जिनकी संख्या लगातार घट रही होती है उसका इसमें संरक्षण किया जाता है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, संकटग्रस्त याद रखिएगा, जो थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं जिनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है, उनकी संख्या घट रही होती है, उसका संरक्षण इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। इससे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे वनस्पति वाटिकाएं होती हैं, जंतुशालाएं होती हैं, आनुवांशिक संसाधन केंद्र होते हैं, संवर्धन संग्रह होते हैं, इस तरीके की चीजें इसमें की जाती हैं, ठीक है। तो संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं का संरक्षण। तीसरा, स्वस्थाने संरक्षण में शामिल है, देखिए स्वस्थाने क्या होता है, उनके प्राकृतिक आवास के अंदर ही उनका संरक्षण करना। तो जैव मंडल संरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल ठीक है, नेशनल पार्क बिल्कुल ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिल्कुल ठीक है, और सेक्रेट ग्रोव्स, पवित्र जंगल को इंग्लिश में बोला जाता है, आपने टर्म सुना होगा सेक्रेट ग्रोव्स, जो बेसिकली कुछ जनजातियां होती हैं उनके द्वारा, जंगलों की आपने सुना होगा वो पूजा वगैरह करते हैं, तो उस तरीके के जो कुछ पवित्र जंगल होते हैं उसकी बात इसमें की गई है। तो सारे के सारे यानी चारों ही ये इन सीटू संरक्षण या स्वस्थाने संरक्षण में शामिल है। भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है? देखिए ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, बार बार ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो भारत टोटल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। देखिए इसमें कई सारे तरीके से प्रश्न ये बनता है, कभी वो जैव भौगोलिक क्षेत्र पूछेगा, कभी आपसे वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछेगा, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो इसको घुमा घुमा के ये अलग अलग तरीके से पूछता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग होते हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र अलग होते हैं। तो जैव भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो टोटल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। इसके नाम मैं अपने पिछली सीरीज में बता चुका हूं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बीज बचाओ आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बीज बचाओ जो आंदोलन है वो हिमालय के जो तराई बेल्ट है, तलहटी हिमालय, वहां पर ज्यादा हुआ था, और टिहरी गढ़वाल स्पेशली वहां पर ये किया गया था। तो ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, छठा, भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, यह भी प्रश्न देखिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। तो अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां पर क्वेश्चंस देखिएगा, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, वो आपके वन दरोगा के एग्जाम्स के लिए बहुत रेलिवेंट होंगे। मैं वहां पर लगातार जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं पर्यावरण से संबंधित वो भी क्विज लगातार डाल रहा हूं, तो वो आपके करंट अफेयर्स को भी एनवायरमेंट के कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सितंबर के, सॉरी माफ कीजिएगा, अक्टूबर के पहले हफ्ते में, ठीक है, अक्टूबर के पहले हफ्ते, ऑप्शन ए, इसको अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, सातवां, निम्न में से कौन से कोयले में अधिकतम कार्बन और कैलोरी मान होता है? तो देखिए कोयले की लगभग आपने कई सारी प्रजातियां सुनी होगी, एंथ्रेसाइट होता है, बिटोमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। तो जो एंथ्रेसाइट होता है इसमें सबसे ज्यादा हमें कार्बन कंटेंट देखने के लिए मिलता है, लेकिन भारत में देखिए ये कोयला काफी कम जगह पर प्राप्त किया जाता है। भारत में जो बिटुमिनस कोल है ये काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है, और जो पावर प्लांट्स होते हैं हमारे उसमें भी इसी कोयले का यूज किया जाता है बिटुमिनस का, लेकिन सबसे ज्यादा कंटेंट किसमें होगा, आपके एंथ्रेसाइट में होता है। आगे देखते हैं, आठवां प्रश्न हमारा, भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं? ये भी हम 2 से 3 बार क्वेश्चन कर चुके हैं। जो आर्द्र पर्णपाती वन है, ठीक है, या नम्न पर्णपाती वन, ये सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं, तो आठवें का होगा ए। इसमें देखिए कहां पर ये मिलेंगे आपको, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल आपका होगा, और इसमें कौन कौन सी प्रजातियां आएंगी आपकी, मैं आपको बता देता हूं, सागौन आपकी आएगी,
ठीक है, सागौन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल होगा, कुसुम होगा, ये सभी प्रजातियां इसमें पाई जाती है। नवा निम्न में से किसकी संख्या खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा हमें जो पता है वो उत्पादक होते हैं या हरे पौधे। दसवां देखते हैं, एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर है या आपका सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल एक झील में क्या होता है? तो एक झील में सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल आपका जंतु प्लवक होते हैं, इसको बोलते हैं जू प्लैंकटन। आगे देखते हैं, ग्यारहवां, एक समुदाय जो स्थिर एवं जलवायु के साथ संतुलन स्थापित कर ले इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बेसिकली आपका चरमोत्कर्ष या क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है, ऑप्शन सी। बारहवां देखते हैं, प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। आगे तेरहवां, भारत में शंकुधारी वन कहां देखे जाते हैं? तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट भारत में आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? ईस्टर्न हिमालय जो हमारा क्षेत्र है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। बेर, बबूल एवं नीम ऐसे वनस्पति के उदाहरण है जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो देखिए जहां पर बहुत कम रेनफॉल होता है वहां पर आपको उस इस तरीके के वन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपका जो अर्ध शुष्क आपके वन होते हैं उसका एक प्रकार है, ठीक है, अर्ध शुष्क वन जहां पर रेनफॉल काफी कम होता है। इवन हम कह सकते हैं कि जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पर आपको इस तरीके के वन देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली जो राजस्थान वाला रीजन है, गुजरात के कुछ क्षेत्र है वहां पर इस तरीके की चीज आपको देखने के लिए मिलती है। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर में जीव कौन से होते हैं? तो 15वें का जो ऑप्शन है वो होगा आपका पौधे। 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य एवं उनकी अधिसूचनाओं की घोषणा से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का वो इनसे संबंधित है। 17वां, कौन सा या कौन से कथन स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में सही है? स्वीडन में 8 से 16 जून 1972 को हुआ था, यह पर्यावरण मुद्दों को उजागर करने वाला पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। रियो सम्मेलन कौन सा था? 1992 वाला जो पृथ्वी सम्मेलन था उसको बोला जाता है। तो तीसरा तो हटा दीजिए, ये वाला गलत हो गया। इस सम्मेलन में 26 सिद्धांत आपके सुझाए गए थे। तो इसमें जो देखिए सही होगा, 8 से 16 जून तक ये आयोजित नहीं किया गया था, जिस दिन आयोजित किया गया था 5 जून, इसी को देखिए इसी के यादगार के रूप में हम 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तो पहला भी गलत है, तो हमारा सही कौन सा होगा? दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी। 18वां देखते हैं, पर्यावरण के संबंध में गंदा दर्जन या इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका डर्टी डजन, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका था, हमने ये पहले की टेस्ट एक प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आया था डर्टी डजन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो किस किस के बारे में इसमें बात की जाती है? 12 ओजोन परत को ह्रास करने वाले पदार्थ, 12 चिर स्थायी कार्बनिक पदार्थ, 12 अति हानिकारक हरित गृह गैसें या 12 अति ह्रासित पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें देखिए जो बात की जाती है, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आपके होते हैं पी, ऑप्शन 2 POP, ठीक है, आपने एक सुनी होगी स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से संबंधित है या चिर स्थायी कार्बनिक पदार्थ से संबंधित है, उसी में 12 चिर स्थायी कार्बनिक पदार्थों के बारे में बात की गई है जिसको हम डर्टी डजन बोलते हैं, डजन मतलब दर्जन या 12, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें ठीक है। 19वां, निम्न में से कौन सा एक EIA प्रक्रिया के स्क्रीनिंग का भाग नहीं है? EIA मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो 19वें का जो सही ऑप्शन होगा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के अध्ययन का निर्धारण करना, ये किसी भी स्क्रीनिंग का इसमें भाग नहीं होता। 20वां देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? तो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM इसको बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो गठन हुआ था वो बेसिकली एक अधिनियम के तहत सन 1995 में इसका गठन किया गया है। 21वां, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सम्मेलन ओजोन परत के क्षरणकारी पदार्थों से बचाव से संबंधित है? तो जो वियना सम्मेलन था आपका, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज आपको यहां पर कर दिया है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो वियना सम्मेलन में ही आपका साइन हुआ था सन 1987 में, इसको याद रखिएगा, सन 1987 में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना कहां है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर ये लागू किया गया था। और बेसिकली 1900
85 में ये सम्मेलन आपका हुआ है और 1987-88 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। ठीक है, 22वां, भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड या सीपीसीबी, ठीक है, सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की स्थापना भारत में कब की गई है? तो जो वाटर पॉल्यूशन एक्ट था मैंने आपको बताया था 1974 का, इसमें केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बात की गई थी, एक बात याद रखिएगा। लेकिन इसके जो कार्य हैं वो हमें एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 वाला जो है, जो ये वाला है, इसमें इसके कार्यों की बात की गई है। तो गठन कब हुआ है? 1974 वाले एक्ट से वाटर पॉल्यूशन का, और जो इसके कार्यों की बात की गई है वो एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 में की गई थी। किगाली संशोधन संबंधित है, किगाली बेसिकली रुवांडा, आपने देश सुना होगा, अफ्रीकी देश है रुवांडा, वहां की राजधानी है। और किगाली का जो अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है? ये आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं HFC, इनको बोला जाता है, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने के लिए। बेसिकली जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत करते हैं, और इसका पहले उपयोग हमारे जो फ्रिज वगैरह होती है उसमें गैस के रूप में किया जाता था, या प्रशीतक हिंदी में इसको बोला जाता है, रेफ्रिजरेंट को, जो गैस हम फ्रिज में भरते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन जब पता लगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं तो इसके उपयोग को कम करने के लिए रुवांडा की राजधानी किगाली में एक संशोधन को अपनाया गया, जिसमें बात की गई कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करेंगे, और ये 2016 में आपका अपनाया गया था। आगे देखते हैं 24वां, निम्न में से कौन से कथन ओजोन के बारे में सही है? तो ओजोन के बारे में अगर हम बात करें, यह 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल ठीक है, O3 इसका सिंबल होता है, इसका रंग हल्का नीला होता है, ठीक है, इसकी मोटाई रैम में मापी जाती है, बिल्कुल गलत, ओजोन परत की मोटाई जो आपने सुनी होगी डॉब्सन यूनिट में मापी जाती है, तीसरा गलत है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओजोन परत आपको कहां पर मिलेगी? स्ट्रेटोस्फीयर में, या हिंदी में इसको बोला जाता है हमारा शायद समताप मंडल, समताप मंडल यहां पर ये पाई जाती है। 25वां, IUCN का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कई बार बता चुका हूं, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और ग्लैंड में ही देखिए एक और संस्था का हेडक्वार्टर भी है, WWF का, जिसकी स्थापना साल 1961 में की गई है, और WWF का जो शुभंकर है उसका नाम क्या है? जायंट पांडा या विशालकाय पांडा, जो चीन में आपका पाया जाता है। 26वां, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान गलत है, उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित है। 27वां, असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, फिशिंग कैट घाना राष्ट्रीय उद्यान, चौसिंगा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, माउस डियर फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, और उड़न गिलहरी या फ्लाइंग स्क्विरल माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें जो तीसरा है आपका, उड़न गिलहरी या माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में नहीं पाई जाती, ये आपका सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है राजस्थान का, ठीक है, ये बेसिकली RPSC का क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें जो स्पीशीज दी अच्छी दी है तो आप पढ़ लीजिए, ये सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है, वहां पर ये उड़न गिलहरी पाई जाती है। 28वां, सतत विकास की अवधारणा किसमें दी गई? सतत विकास की अवधारणा आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, बेसिकली देखिए इसमें से किसी में भी ये नहीं दी गई थी। जब आपकी 1987 में एक रिपोर्ट आती है जिसका क्विज मैंने परसों डाला है, जो ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है, जिसको आप अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हो, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इसमें आपकी सतत विकास की अवधारणा की बात की गई थी ब्रंटलैंड कमीशन, ठीक है, 1987 में ये रिपोर्ट आई थी, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी, बहुत अच्छा प्रश्न है, उन्होंने ये बनाया। संयुक्त वन प्रबंधन या JFM इसको बोलते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, JFM इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली आपका सरकार और स्थानीय लोग साथ में कार्य करते हैं, ठीक है, बिल्कुल यही सही है, इसमें सरकार और जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं वो मिलकर आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। EMM किसके लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, बेसिकली EMS जो होता है आपका, EMS का मतलब होता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी पर्यावरण आपका प्रबंधन तंत्र, EMS। भारत में किस विधान के अधीन पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन आवश्यक है? EIA, जो हमने ऊपर अभी क्वेश्चन देखा था कि EIA की स्क्रीनिंग में क्या शामिल नहीं है, वही है ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो ये किस विधान के अधीन आपका बनाया जाता है? जो आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी, इसके तहत इसकी बात की गई है।
32वां पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन के लिए सबसे अच्छी ज्ञात मैट्रिक्स विधियों में से एक है। बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है ये, लियोपोल्ड मैट्रिक्स होती है ऑप्शन ए। लियोपोल्ड मैट्रिक्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए सबसे अच्छी, एक तरह से आप कह सकते हो कि मैथमेटिकल या मेथडोलॉजी ये है। 33वां पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रणाली को बनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन था, तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्रणाली को बनाया है। 34वां देखते हैं, पर्यावरण प्रभाव आंकलन के क्षेत्र में ईएसी का संदर्भ क्या है, तो ईएसी काफी इंपॉर्टेंट है। ईएसी का अर्थ है बेसिकली आपका विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ऑप्शन बी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति। आगे देखते हैं 35वां पर्यावरण प्रभाव आंकलन के पदों का सही क्रम है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले स्क्रीनिंग आपकी होती है, एक ही ऑप्शन में है स्क्रीनिंग, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। पहले स्क्रीनिंग, फिर स्कूपिंग, फिर प्रभाव विश्लेषण, फिर न्यूनीकरण एवं प्रभाव प्रबंधन, तो ये इसका सही क्रम है ऑप्शन सी। अब देखते हैं 36वां जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो ये हम सभी को पता है, मैं आपको बता चुका हूँ 2 से 3 बार, 2008 में ये प्रारंभ की गई थी। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इसमें कितने मिशन शामिल हैं, तो 2008 में आया था और इसमें 8 ही टोटल मिशन शामिल है, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का क्या उद्देश्य है, बहुत फेमस है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, तो जो सबसे अच्छा इसमें उत्तर अगर नियरेस्ट देखें तो यही है, औद्योगिक क्षेत्र द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना। 1997 में ये जापान के क्योटो में अपनाया गया था, लेकिन इसका जो ये प्रभाव में कब से आया है, 2005 से, और अब इसकी जगह देखिए बेसिकली पेरिस क्लाइमेट समझौते ने ले ली है, ठीक है, 2020 से। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, तो इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में क्या हुआ था, स्वीडन की राजधानी कहां पर था, स्टॉकहोम में, 5 जून को यह आयोजित किया गया था 1972 को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत से यह संबंधित है, ये रहा आपका ओजोन परत। 1985 में मैं आपको बता चुका हूं वियना सम्मेलन हुआ था ऑस्ट्रिया में, उसके बाद 1987-88 में इसको अपनाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रियो घोषणा पत्र के 17 सिद्धांत संबंधित है किससे, तो जो 17 सिद्धांत हैं, 17 गोल्स हैं बेसिकली आपके, ये किससे संबंधित हैं, ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण अपघटन से या पर्यावरण प्रभाव आंकलन से, यानी EIA से ही आपके संबंधित हैं, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। आगे 42वां राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया, 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर वैसे दिल्ली में होता है, आज ही सुबह मैंने इसका एक क्वेश्चन डाला था, एक्चुअल में दिल्ली गवर्नमेंट पर, दिल्ली सरकार पर एनजीटी ने जुर्माना लगाया करीब 2200 करोड़ रुपए का, क्योंकि उन्होंने जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है उसके क्षेत्र में कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, तो उन पर पेनल्टी लगाई गई है, वो आप टेलीग्राम में मेरे क्विज देख लीजिएगा। कौन सा ISO पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है, तो ISO 14001, कहाँ है, ऑप्शन डी ISO 14001। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये 14001 जो है ये पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है, बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, तो अगर हम बात करें भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो है वो रामदेव मिश्रा जी को वैसे माना जाता है, आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा जी। 45वां निम्न में से कौन सा एक सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था 1992 में, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसको बेसिकली रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1992 में ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। 46वां पारिस्थितिकी स्तर के निचले से उच्च स्तर का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है, तो मैं आपको बता चुका हूँ बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, फिर आता है पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। तो आप देख लीजिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, अगर हम बात करें इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी समष्टि, फिर कम्युनिटी, पारिस्थितिकी तंत्र और फिर जीवन, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक होगा। 47वां देखते हैं वन प्रबंधन में निम्न में से कौन सा ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स के नाम से संबंधित नहीं है, तो ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स में जो आते हैं वो बेसिकली आपके सामान्य आयु श्रेणी वितरण आता है, सामान्य वन निधि आता है, सामान्य समृद्धि आता है, लेकिन जो सामान्य पुनरुत्पादन है ये इसका हिस्सा नहीं है। ट्रिनिटी बेसिकली 3 से संबंधित है, तो इस 3 में ये नहीं आता पहला वाला। 48वां भारतीय वन अधिनियम में आरक्षित वनों को किस सेक्शन
संख्या के अनुसार घोषित किया गया है। तो मैंने आपको बताया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आपके रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, कंजर्व्ड फॉरेस्ट है, आपका विलेज फॉरेस्ट है, ठीक है। ये तीन तरह बेसिकली इसमें चार कैटेगरीज होती है, लेकिन ये तीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस सेक्शन के तहत इनको घोषित किया जाता है, जो 20वां सेक्शन है आपका सेक्शन 20, उसके तहत इन्हें घोषित किया जाता है। 49वां देखते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इनमें से क्रमशः कितने अध्याय और अनुभाग शामिल हैं। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने बनाया है। तो इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं और आपके 66 अनुभाग हैं। तो 7 और 66 ऑप्शन बी इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा। फिर से याद कर लीजिए, 7 आपके अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं, 66 अनुभाग हैं। 50वां देखते हैं, लोगों के बीच वृक्ष चेतना पैदा करने के लिए एवं पर्याप्त उत्साह उत्पन्न करने के लिए वृक्षारोपण का संयोजित आयोजन वन महोत्सव किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। जुलाई के पहले हफ्ते में सन 1950 से मनाया जाता है, के एम मुंशी जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1950 से जुलाई के पहले हफ्ते में। प्रबंधन की एक लिखित योजना जो कि नीति और कार्यवाही की निरंतरता का उद्देश्य रखती है एवं एक वन के उपचार को नियंत्रित करती है कहलाता है। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, कार्य योजना, ठीक है, एक्शन प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आपने सुना होगा। 52वां, निम्न में से कौन सहभोजिता का उदाहरण है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से दो प्रजातियां या स्पीशीज इंटरेक्ट करती हैं, उसमें कई सारे टाइप होते हैं। तो इसमें कौन सा बेसिकली सहभोजिता का आपका उदाहरण है, तो जो लियाना है ये आपका सहभोजिता का उदाहरण होता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा अंग संबंध नहीं रखता है, तो इसमें कौन सा आपका संबंध नहीं रखेगा, पारिस्थितिकी तंत्र की जो सेवाएं हैं ये आपका इससे संबंध नहीं रखता। 54वां, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो जो पारिस्थितिक सामाजिक वानिकी, माफ कीजिएगा, सोशल फॉरेस्ट्री, इसका जो उपयोग किया बेसिकली 1976 में अगर हम बात करें तो जे वेस्टोबे द्वारा किया गया था, जे वेस्टोबे 1976। 55वां, किस प्रकरण में उत्पादक एवं उत्पाद मूलधन एवं ब्याज पृथक नहीं होते, वानिकी, कृषि, उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली वानिकी या फॉरेस्ट्री में उत्पादक एवं उत्पाद अलग अलग नहीं होते। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन 5A, ठीक है, धारा 5A के तहत कब किया गया है इसका गठन, सन 2003 में इसका गठन किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। एक कार्बन पूल से दूसरे कार्बन का स्थानांतरण, जैसे उदाहरण के लिए वायुमंडल से जंगल में, मापन की इकाई में मास प्रति इकाई क्षेत्रफल एवं समय यानी टीसी प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली कार्बन फ्लक्स, ठीक है, कार्बन फ्लक्स। 58वां, किस अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि को अवन गतिविधियों के रूपांतरण से रोका गया है, बेसिकली कि आप जो वन भूमि है उसका गैर वन उपयोग के लिए आप इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में यह बात की गई है। 59वां देखते हैं, घटकों की प्रकृति के आधार पर रक्षी पट्टिका एवं वायुरोधी किस कृषि वानिकी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो इन चारों में से किस कृषि वानिकी प्रणाली के अंतर्गत ये आते हैं, तो कृषि वन वर्धन प्रणालियों के अंतर्गत ये आते हैं। 60वां, भारत के शुष्क इलाकों में कौन सी फसल पाई जाती है, तो भारत के शुष्क इलाके अगर ड्राई एरियाज आप देखेंगे तो बाजरा, सोरगम और खेजरी की प्रजातियां वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। कृषि वानिकी निदान एवं रचना परिकल्पना के द्वारा विकसित की गई थी, तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है बेसिकली जो कीनिया में इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा कीनिया में इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कौन सा है, ICRAF कीनिया, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री, और 1978 से ये संस्थान आपका कार्यरत है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी जो है वहां पर स्थित है, और ये एक बेसिकली एनजीओ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गैर लाभकारी संगठन है। इसकी जो बेसिकली कृषि वानिकी है या एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी आप कैसे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को एक साथ करोगे, उसके बारे में जो परिकल्पना दी है वो इसी संस्थान ने दी थी। 62वां देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन शोध संगठनों का संघ यानी IUFRO, ये
आपका बेसिकली कहां पर स्थित है, तो ये ऑस्ट्रिया में स्थित है। ये देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है, संस्थान से देखिए मैं खुद पर्सनली मानता हूं संस्थान से आपका एक प्रश्न इस एग्जाम में जरूर बनेगा। भारतीय वन्य जीव परिषद या इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। ये देखिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से अलग है, जिसका गठन 2003 में किया गया है, तो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन 1952 में किया गया है, ठीक है, 1952 में। और इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में वर्मिन को विभाजित किया गया है, वर्मिन बेसिकली जो अनुसूची 5 है, ये मैंने आपको बताया था। वर्मिन में मैंने आपको नाम भी बताए हैं, अगर आपने मेरा पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो वन्य जीव संरक्षण वाला पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको इसके नाम भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें कौवा कौवा आता है, चूहा है, ठीक है, इसके अलावा फ्रूट बैट्स हैं, चमगादड़ हैं, ये इसमें आते हैं। तो सूची 5 जो है वो वर्मिन से संबंधित है। 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में किस शीर्षक के उप पैरा के तहत वानिकी शिक्षा का वर्णन किया गया था, यानी फॉरेस्ट्री एजुकेशन का आपका किसमें वर्णन किया गया है, तो ये आपका 4.11 में आपका बात इसकी की गई है। निम्न में से कौन स्वस्थाने यानी जहां पर जानवरों का पादपों का प्राकृतिक आवास होता है वहीं पर उनका संरक्षण करना, इसमें से कौन सा नहीं है, तो बेसिकली आपका जो ऑप्शन बी है वनस्पति उद्यान, ये इससे संबंधित नहीं है, ये आपका बेसिकली एक्स सीटू या पर स्थाने संरक्षण की विधि है। 67वां, वर्तमान में झीलों या वेटलैंड के संरक्षण हेतु भारतवर्ष में कितनी रामसार साइट निर्धारित की गई है, टोटल भारत में 75 रामसार साइट्स है। रैंक 1 आपकी किसकी है, तमिलनाडु की, जहां पर 14 वेटलैंड्स है। सेकंड रैंक आपकी उत्तर प्रदेश की, जहां पर 10 वेटलैंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपने वेटलैंड्स का या रामसार कन्वेंशन का वीडियो का लिंक शेयर किया है, आप उस वेटलैंड्स की वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट उसमें से क्लियर हो जाएंगे कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, रामसार कन्वेंशन क्या होती है। 5 से 7 मिनट का वो वीडियो है, पूरा देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पौधारोपण पर्व जो वन महोत्सव कहलाता है को किसने शुरू किया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सन 1950 में के एम मुंशी जी ने शुरू किया था, जुलाई के फर्स्ट वीक में यह मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, तो 1972 में यह लागू हुआ था। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है, बेसिकली इसका जो नाम है इसका नाम है झाड़ग्राम, इसको लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जंगल महल बोला जाता है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। IUCN 2012 के अनुसार प्रजातियों को कितनी रेड लिस्ट या रिस्क श्रेणियों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है टोटल हमारी 9 श्रेणियों में, ठीक है। वृक्षों के पूरे जीवन काल की व्यास ऊंचाई एवं आयतन वृद्धि का विश्लेषण भी कर सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं, बेसिकली तना विश्लेषण द्वारा, आपने देखा होगा नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग्स, ठीक है, तो तने के विश्लेषण द्वारा आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। नमक सहिष्णु पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय अंतर द्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में इंटर टाइडल जोन, ठीक है। मैंग्रोव्स वगैरह बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, मैंग्रोव्स, क्योंकि मैंग्रोव्स यहीं आप जो पढ़ लेंगे इंटर टाइडल जोन में मैंग्रोव्स ही सबसे ज्यादा होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा लगभग 42% का क्षेत्र सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है वो लेता है, रैंक 1 उसी की है। रैंक 2 आपकी किसकी है, गुजरात की, ठीक है। मैंग्रोव का वीडियो भी मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, मैंग्रोव्स का वीडियो हमने बना चुके हैं, तो मैंग्रोव्स का वीडियो भी 7-8 मिनट का है, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा कि मैंग्रोव्स के फायदे क्या है, क्या नुकसान है, भारत में कहां कहां पाए जाते हैं। खड़े वृक्षों की आयु निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो खड़े वृक्षों की अगर आपको आयु निकालनी है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेसलर छिद्रक, ऑप्शन डी। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा अच्छा हटके प्रश्न है, प्रेसलर छिद्रक आप इसमें यूज करेंगे। 75वां, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रों का ढांचा सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो इस दिन लागू हुई, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, जिस दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है यानी 21 मार्च, ठीक है, उसी दिन ये लागू हुई है, तो एक ही ऑप्शन है देखिए 21 मार्च 1994, यही इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा, जिस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है उस दिन आपका UNFCCC लागू हुआ था। वनों में असामान्यता किस कारण से होती है, तो वनों में असामान्यता वृक्षों के अधन के कारण होती है। 77वां, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में यहां स्थापित किया गया था, नीलगिरी में, ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है, नीलगिरी में स्थापित किया गया था, और ये जो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी हिस्सा है। पर्यावरण तालिका में सम्मिलित है, तो पर्यावरण तालिका में भौतिक जैविक सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यावरण आपके संबंधित है।
79 देखते हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन के विभिन्न चरणों का सही क्रम है। देखिए ऊपर फिर से वही आ गया जो ऊपर प्रश्न पूछा था, तो इसका चालन, स्कोपिंग, प्लानिंग व लागू करना, ये इसका सही क्रम है। अभयारण्य, सेंचुरी व राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा वन्य जीव संरक्षण एक्ट के कौन से अध्याय में सम्मिलित है? बहुत अच्छा प्रश्न है अस्तिमा, ये आपका बेसिकली अध्याय 4 में सम्मिलित है। 81वां, पर्यावरण प्रदूषण की रोक, नियंत्रण एवं उपशमन को शासित किया जाता है। बहुत अच्छा, देखिए ये भी प्रश्न है, तो इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा शासित किया जाता है, ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बांदीपुर, काजीरंगा, काजीरंगा आपका एक सींग वाले गैंडे, ठीक है। रणथंबोर, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क आपका भारतीय शेर हो गया, ठीक है। रणथंबोर हो गया आपका टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन सी। और आपका जो बांदीपुर है वो हाथियों के लिए फेमस है, क्योंकि देखिए कर्नाटक में, मैं आपको बता चुका हूँ 2017 में जो हाथियों की अंतिम जनगणना हुई थी, जो हर 5 साल में आयोजित की जाती है, कर्नाटक में आपके सबसे ज्यादा हाथी पाए गए हैं, ठीक है। तो बांदीपुर हाथियों के लिए फेमस है, तो 82 में का आप मिला लीजिए, क्या सही होगा? ऑप्शन ए। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसको प्राप्त किया जा सकता है आपका मूल्य आधारित पर्यावरणीय शिक्षा और उपयुक्त ऊपर के सभी से, ऑप्शन डी। 84वां, पर्यावरण की संपूर्णता अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो ईपी ओडम ने इसको प्रभावित किया है, 84 का ऑप्शन बी, फ्रेडरिक ने इसको प्रतिपादित किया है। 85वां देखते हैं, ऊर्जा प्रवाह को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी में किसने पोषी गति की पहलू को सविस्तार प्रतिपादित किया? देखिए ऊर्जा प्रवाह जहां पर आपको दिखा, मैंने आपको बताया था 10% लॉ, यानी एक पोषी स्तर से जब दूसरी पोषी स्तर में जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा ही आपको मिल पाती है, तो ये किसने बताया था? लिंडमान ने, ठीक है, लिंडमान ने यह बताया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 86वां, तालाब परितंत्र के उपभोक्ता जैव घटक कौन से हैं? तो तालाब परितंत्र के उपभोक्ता जैव घटक आपके कीट है, ऑप्शन बी। हॉटस्पॉट या तप्त स्थल से अभिप्राय क्या है आपका? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपने सुना होगा टर्म, जिसका कॉन्सेप्ट आपके नॉर्मन मायर्स ने दिया था, ठीक है। तो जैव विविधता वाले जो बहुत आपके बहुल क्षेत्र होते हैं उनको आप हॉटस्पॉट बोलते हैं। भारत में आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट है आपका, ईस्टर्न हिमालयाज है, उसके अलावा सुंदर लैंड है। सुंदर लैंड जो बेसिकली आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया गया। 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। 88वां, पारितंत्र में उपस्थित कुल जैविक कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है? यह आपका बायोमास या जैव भार कहलाता है, बायोमास, ऑप्शन बी सी सॉरी। 89वां, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? यह भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन डी। 90वां, रामसार सम्मेलन संबंधित है, आज सुबह ही मैंने क्वेश्चन डाला है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपका आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, जो कि रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं। ये कन्वेंशन 1971 में ईरान का एक शहर है रामसार, वहां पर ये लागू किया गया, ठीक है। टोटल इस समय भारत में 75 रामसार साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। वीडियो मैंने वो डाल दिया है, आप प्लीज उसको जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जा रहा है 16 सितंबर को, इससे कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन से सम्मेलन में ये साइन हुआ था? वियना सम्मेलन में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी में सन 1985 में किया गया था और 1987-88 में ये लागू किया गया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है क्या है? एक कागजी शेर है, एक निर्णयकारक साधन है, एक विकासरोधी गतिविधि है, विकासशील देशों पर एक भार है, तो इसमें से क्या है? तो बेसिकली एक निर्णयकारक साधन है। 93वां, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक है या फिजिकल घटक है? तो पर्यावरण का भौतिक घटक आपका सॉइल या मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का एक उदाहरण नहीं है? तो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण क्या नहीं है? पेट्रोलियम इसमें आपका उदाहरण नहीं। ओजोन छिद्र का मतलब है कि वायुमंडल में ओजोन स्तर की मोटाई हो गई है। DU बेसिकली मैंने आपको बताया था, DU का यहाँ पर मतलब है डॉब्सन यूनिट, ठीक है। तो इसकी मोटाई अगर किससे कम हो जाए तो उसको माना जाता है कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो 250 डॉब्सन यूनिट से अगर इसकी कमी होने लगती है तो माना जाता है कि ओजोन परत का क्षरण होने लगा है। ये स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में पाई जाती है और हमारी पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो स्किन कैंसर का कारण बन सकती है। मृदा के प्रमुख घटकों में निम्नतम आयतनात्मक संगठन वाला कौन सा है? तो निम्नतम आयतनात्मक संगठन वाला कौन है? कार्बनिक पदार्थ। 97वां,
निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का प्रभाव नहीं है? तो इसमें से कौन सा वनोन्मूलन का प्रभाव आपका नहीं है? जो जंगल की आग है, ये वनोन्मूलन का प्रभाव नहीं है। वन नाशन का संदर्भ किससे है? 98वां। वन नाशन का संदर्भ आपका वनों का गायब होना इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन संसाधनों का जोड़ा पशुओं का उत्पाद है? तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? लाक एवं मोम। और भारतीय गैंडे का प्राकृतिक आवास कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको वन हॉर्न राइनोसेरोस या एक सींग वाले गैंडों का यह प्राकृतिक स्थान माना जाता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरवन भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यही आज हमारी पूरी बुक ये कंप्लीट हो गई है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने वन दरोगा स्टडी मटेरियल के नाम से बना रखी है। तो 8 प्रैक्टिस सेट जिसमें 800 प्रश्न है जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छा करेंगे, उसको आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं अपने अभी YouTube में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरी बुक काफी पसंद आई होगी। अब हम एक दूसरी बुक आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लगभग आपको 500 से ज्यादा प्रश्न मैं कवर कराऊंगा, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो भी काफी अच्छा कंटेंट है। तब तक आप इस पूरी बुक को रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी को और अच्छी करते रहिए। थैंक यू सो मच।